हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। आप सभी को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं हमारा प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, जहां पर हम प्रोडक्शन फंक्शन में जो हमारे पास कुछ फिक्स्ड फैक्टर हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर हैं, उनके आसपास की जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे हेल्प करते हैं या उनका क्या काम रहता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उन सब चीज़ों को हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर समझना है कि हमने कल वाली वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने टीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है भाई, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, वो हम लोगों ने सीखा। ठीक है, उसकी थ्री डिफरेंट स्टेजेस हम लोगों ने सीखी। आज हमें करना है कि जो टीपी होती है, एमपी होती है और एपी होता है, ठीक है, उन तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, ऐसा क्या रिलेशनशिप होता है बच्चे कि जो तीनों एक साथ वेरी करती हैं, या फिर हम दो तीनों का डायग्राम या शेड्यूल एक साथ बनाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एक जो हमारे पास अभी स्केड्यूल है उसको ध्यान से देखना। हमारे पास कुछ यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट है, ठीक है, वो लेबर हो सकती है भाई। ठीक है, एक से लेके नौ तक की हमारे पास लेबर है। टीपी आप सभी को पता है कि पहली यूनिट, जैसे ही हम लोग पहली यूनिट इंप्लीमेंट करेंगे, एक लेबर इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जरूर करेगी। ठीक है, उसने प्रोडक्शन करी बच्चे चार यूनिट्स की। ठीक है, तो एपी क्या होता है, एपी होता है हमारा टीपी डिवाइड बाय एल। ठीक है, टीपी डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। ठीक है, तो चार डिवाइड बाय एक, टीपी कितना आया हमारा, चार आ गया। एमपी क्या होता है हमारा, एमपी निकलता है बच्चे टीपी एन माइनस वन, या फिर टीपी एमपी निकालेंगे, एक और फॉर्मूला है चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर या वेरिएबल इनपुट बच्चे। ठीक है, तो टीपी में कितना चेंज हुआ, जीरो से लेके चार, और एपी में उसमें इनपुट में कितना चेंज हुआ, जीरो से लेके एक, तो चार डिवाइड बाय एक आंसर कितना आएगा, एमपी हमारा एक। ठीक है, यहां से आपको कुछ हल्का सा क्लियर कर दूं बच्चे मैं, आप टीपी को बड़े ध्यान से देखना, टीपी को एमपी की हेल्प से देखना। ठीक है, टीपी को एमपी की हेल्प से देखना, क्योंकि जो हमारा टीपी है बच्चे वो हर यूनिट के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, चार है, फिर दस है, थर्ड पे वो 21 है, फोर्थ पे वो 40 है, फिफ्थ पे वो 55 है। ठीक है, मैंने एमपी में जो हमारे पास काफी सारे इनपुट्स हैं, ठीक है, जो आंसर आया हमारा एमपी का, उसको तीन स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक है, पहली स्टेज आप सभी को कल वाला एग्जांपल याद होगा, जहां पर हम लोगों ने इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की बात की थी। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न की बात की थी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर टीपी हमारा क्या कर रहा है बच्चे, एक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और उसकी स्पीड भी कैसी है, इंक्रीजिंग है। पहले एक दो गुना इंक्रीज कर रहा है, फिर तीन गुना, फिर चार गुना। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि वो कितने गुना कैसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट के साथ। अगली बार सेकंड स्टेज में वो इंक्रीज तो कर रहा है, टीपी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन एक क्या कर रहा है बच्चे, वो डिक्रीजिंग रेट के साथ। ठीक है, वो डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज कर रहा है। फिर एक टाइम ऐसा पहुंचता है कि जहां पर टीपी मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है और वहां से वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बच्चे मैक्सिमम पॉइंट पे कहां पहुंचता है, मैक्सिमम पॉइंट पे वो उस टाइम पर पहुंचता है जहां पर जो यूनिट ऑफ वेरिएबल है वो मैक्सिमम पहुंच जाते हैं। पर मैक्सिमम का मतलब क्या बच्चे, कि एक एक फिक्स फैक्टर के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितने काम कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को याद होगा कल हमने एक एग्जांपल की बात की थी कि एक एकड़ जमीन के ऊपर, मान लो एक एकड़ जमीन के ऊपर सिर्फ पांच बंदे काम कर सकते हैं। ठीक है, जब तक पांच बंदे काम करेंगे, जब तक एक से लेके पांच तक का क्रम काम करेगा, तो हर बार प्रोडक्शन उसमें इंक्रीज करती जाएगी। जैसे ही वो पांचवी तक पहुंच जाएगा, ठीक है, जब तक वो अपने मैक्सिमम लेबर तक पहुंच जाएगा, तब तक वो अच्छी प्रोडक्शन करेगा। लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा लेबर होनी स्टार्ट हो जाएगी, तभी उसकी प्रोडक्शन में कमी आना स्टार्ट हो जाएगा। कमी क्यों आएगी बच्चे, आप सभी पता है, आप सभी को पता है, क्योंकि हम रिसोर्सेज का पूर्णतः इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, उनका फुल यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण उनकी जो जो टोटल प्रोडक्ट है, जो टोटल प्रोडक्शन होगी, वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप एमपी को देखना, एक स्टेज यहाँ पर है जहाँ पर वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही है, फिर वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही है, फिर एक टाइम पर एमपी नेगेटिव भी हो जाती है। जहाँ पर एमपी नेगेटिव हो रही है, आप वहाँ पर देखना कि एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और टीपी भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, जहां पर
जो नेगेटिव हुआ है बच्चे वहां पर देख लेना, एमपी हमारी जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि टीपी और एपी ना तो कभी जीरो होंगे और ना कभी नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर रखना अपने माइंड में। अगली टेबल में हम लोगों को करना है क्या, देखो ये एक रिलेशनशिप दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। टीपी में और एमपी में क्या रिलेशनशिप है, एपी में और एमपी में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। आइए इन सब चीजों को एक डायग्राम की हेल्प से क्लियर करते हैं। देखो हमारे पास एक टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे हमारे पास एक मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का डायग्राम है। तो बच्चों दोनों को साथ इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो तीनों स्टेज है ना हमारी, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, वो दोनों जो पूरे का पूरा शेड्यूल है एपी एमपी, इन तीनों में एक साथ रिस्पेक्टिवली काम कर रही हैं, ठीक है। आप देखना जो हमारा टोटल प्रोडक्ट का कर्व है बच्चे, जो स्टेज वन है, ठीक है, जहाँ पर स्टेज वन है, स्टेज वन को देखना कि वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। स्टेज टू पे पहुंचा, वहां पर क्या इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन रेट कैसी है बच्चे, डिक्रीजिंग रेट है। उसके बाद वो आप पॉइंट को देखना, जहां पर वो स्टेज थ्री का पॉइंट है येल्लो वाला, वहां पर वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है। जहां पर टीपी मैक्सिमम है, जहां पर टीपी मैक्सिमम है, आप पूरी स्ट्रेट लाइन देख लेना, वहां पर हमारा एमपी क्या है बच्चे, वहां पर एमपी है जीरो, ठीक है। जैसे ही टीपी ने गिरना स्टार्ट किया, जैसे ही टीपी ने गिरना स्टार्ट किया, वहीं पर हमारी एमपी भी क्या होगी बच्चे, एमपी भी वहां पर नेगेटिव होना स्टार्ट होगी है, ठीक है। एक रिलेशनशिप कर लेते हैं बच्चे, टीपी का और एमपी का रिलेशनशिप कहता है व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, जब एमपी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, टीपी विल इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब एमपी इंक्रीज कर रहा है तो टीपी भी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। व्हेन एमपी इज डिक्रीजिंग, टीपी विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। जहां पर एमपी ने गिरना स्टार्ट कर दिया, वहां पर टीपी इंक्रीज कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट के साथ। मैंने पूरे स्टेज वन और स्टेज टू पूरा क्लियर करके लिखा बच्चे उसके अंदर, ठीक है। कहता है व्हेन एमपी इज जीरो, जहां पर एमपी जीरो हो चुका है, ठीक है, जो हमारे पास सी पॉइंट है ना नीचे वाले डायग्राम में, सी पॉइंट वहां पर देखना, जहां पर एमपी हमारा जीरो हो चुका है, टीपी वहां पर मैक्सिमम पॉइंट पे है अपने, ठीक है ना। आप टीपी की कर्व देखना, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुकी है अपनी, ठीक है। आगे फोर्थ पॉइंट में कहता है व्हेन एमपी इज नेगेटिव, जहां पर एमपी नेगेटिव है, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइन, ठीक है, टीपी गिरना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप जो पॉइंट है टीपी का मैक्सिमम पॉइंट का, उसके बाद देखना टीपी की कर्व नीचे गिरनी स्टार्ट होगी, मतलब टीपी गिरना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये था हमारा टीपी का और एमपी का रिलेशनशिप। अगली बार हम लोग देखते हैं एमपी और एपी में क्या रिलेशनशिप है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा और एवरेज प्रोडक्ट है। आप सभी जानते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, कि हर एडिशनल यूनिट के साथ जो टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, हर एडिशनल प्रोडक्शन पे टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे, वो होता है हमारा कि हर यूनिट के साथ, हर पर्टिकुलर यूनिट के साथ कितना प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। अब एमपी और एपी में एक रिलेशनशिप कर लेते हैं। कहता है व्हेन एमपी इज अबव एपी, जहां पर एमपी है किससे ज्यादा, एपी से। आप ये जो कर्व है ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसको देखना, जहां पर ए पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू बी पॉइंट, ठीक है, सॉरी से एपी से ज्यादा, एपी से ज्यादा है। कहता है एपी इज इंक्रीजिंग, वहां पर एपी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। व्हेन एमपी इज बिलो एपी, जब एमपी एपी से नीचे है, कम है, ठीक है, वहां पर एपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। दोनों कर्व में कंपैरिजन करते रहना बच्चे साथ में। थर्ड पॉइंट में कहता है व्हेन एमपी इक्वल्स टू एपी, जो पॉइंट बी है वहां पर देख रहा, व्हेन एमपी इक्वल्स टू एपी, एपी इज एट मैक्सिमम। जहां पर बी पॉइंट बनाया हमारा, वो पॉइंट देखना कि वहां पर एमपी और एपी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और वो पॉइंट कौन सा है बच्चे, वो पॉइंट है कि एपी वहां पर क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है। आप पॉइंट देख लेना, जो हमारे पास ग्रीन कर्व है वो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट की है, जो हमारे पास मेजेंटा कलर है बच्चे वो कौन सा है हमारा, वो एमपी का कर्व है, ठीक है। जहां पर एमपी ज्यादा है वहां पर एपी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जहां पर एमपी कब बिलो है एपी से, वहां पर एपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। और जो पॉइंट बी है हमारा, वहां पर क्या बच्चे, एपी और एमपी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है। ये तीनों स्टेज थे बच्चे, ये तीनों स्टेज हैं, जो स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री, इनको याद रखना, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर और
नेगेटिव फैक्टर हमारा, ठीक है, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, ये तीनों स्टेज एक साथ काम करती हैं, ठीक है। कल वाला जो शेड्यूल था उसमें हमने सेम डायग्राम किया था, लेकिन आज हमने क्या किया बच्चे, इन दोनों जो तीनों कर्व आई ना हमारे पास, टीपी की, एमपी की, एपी की, इनके बीच में रिलेशनशिप समझाया है कि कैसे काम करती हैं चीजें, ठीक है। पूरा शेड्यूल आशा करता हूँ आपको पूरा शेड्यूल और पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और बच्चे इसी नोट के साथ मैं आज वीडियो खत्म करता हूँ और हमारा चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है बच्चे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक आज का क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चे, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।